अध्यक्षता राजस्थान में कब मिला था? 1989, 1998, 1979, 1997 कब मिला था विश्व अपने पर्यटन को उद्योग का दर्जा? दोस्तों ये बताना है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला था दोस्तों? वो मिला था दोस्तों 1989 के अंदर जो राजस्थान के पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन एक है दोस्तों क्या है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, पंचम। पर्यटन क्या है एक दोस्तों? एक उद्योग, प्राथमिक उद्योग है या द्वितीय या तृतीय या पंचम? दोस्तों पर्यटन या तृतीय उद्योग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र की रक्त वाहिनी कहा जाता है पर्यटन को, विनिर्माण को, परिवहन को या नदियों को? क्षेत्र की दोस्तों रक्त वाहिनी कहा जाता है दोस्तों, ये बताइए दोस्तों फटाफट से। वो कहा जाता है विनिर्माण को, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को। चलिए, और राजस्थान में मेट्रो ट्रेन कब चली थी दोस्तों? जून 2014, जून 2015, मई 2014, मई 2015। राजस्थान में मेट्रो ट्रेन है वो कब चली थी दोस्तों? ये बतानी है आप सही को। वो चली थी दोस्तों आपके मई जून 2015 के अंदर, ठीक है, सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान के व्हील कहां से प्रारंभ हुई थी दोस्तों? ये ठीक है, ऑन व्हील, दिल्ली, जयपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील से दोस्तों ये दिल्ली से प्रारंभ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा परिवहन नहीं है? एयर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, दिल्ली या स्थल परिवहन? ये दोस्तों दिल्ली है दोस्तों, ये नहीं है अपना राजस्थान के अंदर दिल्ली परिवहन। सड़क से जुड़े हुए न्यूनतम गांव किस जिले में है दोस्तों? सिरोही, जयपुर, बाड़मेर, पाली। सड़क से जुड़े हुए न्यूनतम गांव है वो किस जिले के अंदर स्थित है? वह आपका सिरोही जिले के अंदर, सड़क से ज्यादा से जुड़े हुए न्यूनतम गांव है वो सिरोही के अंदर है। चलिए नेक्स्ट, सड़कों में से जुड़े सर्वाधिक गांव किस जिले के अंदर है दोस्तों? गंगानगर। राज्य में देशी पर्यटक सर्वाधिक किस जगह से आते हैं? माउंट आबू, किस जगह आते हैं दोस्तों? माउंट आबू, अजमेर, जोधपुर, अलवर। राज्य के देशी पर्यटक है वो राजस्थान में सर्वाधिक किस जगह पर आते हैं दोस्तों? वो आते हैं दोस्तों अजमेर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विदेशी पर्यटक है या दोस्तों सर्वाधिक किस जिले के अंदर आते हैं दोस्तों? ये आपको जगह तो दोस्तों आपकी हो गई अजमेर, लेकिन किस जिले के अंदर आते हैं दोस्तों ये बताइए। वह आपका जयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन है ये किस स्थानों पर देखे जाते हैं? प्राकृतिक स्थल पर, वन्य जीव संरक्षण स्थल पर, ऐतिहासिक स्थल पर या सांस्कृतिक स्थल पर? किस स्थल पर देखे जाते हैं राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक है वो किस स्थल पर देखने के लिए आते हैं? ये आते हैं दोस्तों ऐतिहासिक स्थल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राज्य का पहला टूरिज्म कन्वर्सेशन सेंटर कहां पर बनाया जाएगा दोस्तों? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। फटाफट से, राज्य का पहला टूरिज्म कन्वर्सेशन सेंटर कहां पर बनाया जाएगा दोस्तों? ये जोधपुर के अंदर बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय योजना है, सॉरी हरदी योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 2013, 2014, 2015 या 2016? हरदी योजना है वो किस वर्ष लागू की गई थी ये बताना है आप सभी को। हरदी योजना दोस्तों ये की गई थी 2015 के अंदर शुरुआत होती है। जयपुर में जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया था? 2008, 2009, 2010, 2011। यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची के अंदर दोस्तों कब शामिल किया गया था जयपुर के जंतर मंतर को? वो किया गया था 2010 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संत रैदास का मनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, पाली। संत रैदास का मनोरमा कहाँ पर बनाया जाएगा ये बताना है आप सभी को। राइट आंसर, वो चित्तौड़ के अंदर मनाया जाएगा। प्लेस ऑन व्हील का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1980, 1982, 1984, 1986। प्लेस ऑन व्हील्स का शुभारंभ है वो किस वर्ष किया गया था ये बताना है। वो किया गया था 1982 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1989, 1978, 1987, 1979। जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी ये बताना है दोस्तों, वो 1979 के अंदर दोस्तों, 1979 के अंदर राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। विभूति पार्क कहाँ पर मनाया जाता है, कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। विभूति पार्क है वो किस जगह पर स्थित है यह बताना है आप सभी को। विभूति पार्क है दोस्तों यह आपका उदयपुर के अंदर स्थित है, झीलों की नगरी उदयपुर। आयुर्वेद कहाँ बनाए जाएंगे, आयुर्वेद गांव बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, झालावाड़। आयुर्वेद गांव है वो दोस्तों किस जिले के अंदर बनाए जाएंगे यह बताना है आप सभी को, वो बनाए जाएंगे जोधपुर के अंदर। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 18 नवंबर, 27 दिसंबर, 7 अक्टूबर, 28 मार्च। विश्व पर्यटन वर्ल्ड टूरिज्म डे दोस्तों कब मनाया जाता है दोस्तों, ये दोस्तों 27 दिसंबर नहीं है, 27 सितंबर है दोस्तों, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है, सितंबर दिसंबर नहीं है, सितंबर इस जगह पर, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस था वो 27 सितंबर को मनाया जाता है, ना कि दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी महोत्सव का मेले का आयोजन किस माह किया जाता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। हाथी महोत्सव मेले का आयोजन है वो किस माह के अंदर किया जाता है यह बताना है। हाथी महोत्सव मेले का आयोजन मार्च के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में मरु महोत्सव का कहां मनाया जाता है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या बीकानेर। राजस्थान में मरु महोत्सव है वो कहां पर मनाया जाता है, यह आपके मनाया जाता है जैसलमेर के अंदर। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया, 1987, 1989, 1991, 1988। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष दोस्तों उद्योगों का दर्जा या उद्योग वर्ष घोषित कर दिया दोस्तों, वो क्या था, 1989 को। चलिए, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल लालगढ़ पैलेस, अजीत भवन, सिटी पैलेस, आमेर का किला। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल दोस्तों कौन सा है, वह है दोस्तों आपका अजीत भवन, ऑप्शन नंबर बी। बिसलपुर परियोजना स्थित है बनास पर, खारी, चंबल, बाणगंगा। बिसलपुर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, यह आपकी बनास नदी के ऊपर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर निम्न में से किस जिले को लाभ नहीं मिलता, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का दोस्तों वह सीकर को नहीं मिलता इस चीज का लाभ। इंदिरा गांधी नहर की कितनी शाखाएं निकाली गई है, 9, 7, 8, 10। इंदिरा गांधी नहर से कितनी शाखाएं या नहरें दोस्तों निकाली गई है, वह दोस्तों है आपकी 9 इंदिरा गांधी से शाखाएं निकाली गई है नहर। राज्य में 65 से 70% सिंचाई निम्न स्रोत से होती है, नहरों, दरबार, कुएं, नलकूप, दरबार, तालाबों, दरबार, या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान के अंदर दोस्तों 65 से 70% है वो सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है कुएं एवं नलकूपों द्वारा। चलिए, भांकड़ा नागल परियोजना राज्य के किस जिले को सर्वाधिक सिंचाई उपलब्ध करवाती है, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, झुंझुनू। भांकड़ा नागल परियोजना है वो किस राज्य को, किस जिले में सर्वाधिक, अपने राज्य के किस जिले को सर्वाधिक सिंचाई उपलब्ध करवाती है, वो हनुमानगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया, महाराज उमेद सिंह ने, महाराजा मान सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने, महाराजा अजसवंत सिंह ने। जवाई बांध का निर्माण है वो किसने करवाया था यह बताना है आप सभी को। जवाई बांध का निर्माण है दोस्तों यह करवाया था महाराजा उमेद सिंह ने। चलिए दोस्तों, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर का है वृहद परियोजनाओं को, माध्यम परियोजना को, लघु परियोजना को, बहुद्देशीय परियोजना को। जो आधुनिक भारत के मंदिर को क्या कहा दोस्तों, जो बहुद्देशीय परियोजना है वो कहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है वो किस जिले के अंदर स्थित है यह बताना है आप सभी को।
ये परियोजना दोस्तों आपकी है डूंगरपुर के अंदर स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली परियोजना इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, व्यास परियोजना, चंबल परियोजना, वो दोस्तों आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चंदन नलकूप किस जिले में स्थित है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर। चंदन नलकूप है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों ये बताना है, वह दोस्तों आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब, राजस्थान हरियाणा। माही बजाज सागर परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है यह बताना है, ये दोस्तों राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हरि के बैराज बांध है वो किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। हरि के बैराज बांध है वो दोस्तों वो किस राज्य के अंदर स्थित है ये बताना है, ये आपका पंजाब के अंदर। निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है, जवाई, जाखम, पांचना या मेजा। निम्न में से कौन सा बांध है वो मिट्टी से बना हुआ बांध है, वह आपका है पांचना बांध। चलिए नेक्स्ट, माही परियोजना से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाला जिला, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जालौर। माही जो परियोजना से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, वह हो जाएगा बांसवाड़ा। चलिए, ग्रीन माउंट पार्क किस जिले में स्थित है, उदयपुर, भीलवाड़ा, जालौर या झालावाड़। ग्रीन जो माउंट माउंट पार्क किस जिले में स्थित है दोस्तों, यह आपका भीलवाड़ा के अंदर ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। बाड़मेर के किस जिले में सबसे बाड़मेर जिले की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना नर्मदा से कितने गांवों में पानी पहुंचता है, 765, 845, 870। बाड़मेर जिले की सबसे बड़ी परियोजना दोस्तों वो दोस्तों 845 गांव में पानी पहुंचता है उस परियोजना से। चलिए, दिसंबर 2017 में केंद्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत राजस्थान की नदी जोड़ो परियोजना के तहत राज्य के कितने जिले लाभान्वित होंगे, 9, 12, 13, 15। वो दोस्तों आपके सी 13 जिले लाभान्वित होंगे इससे। 20 मई 2017 को नाबार्ड की ओर से आरंभ कार्यक्रम जल ही जीवन है तो अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित है, 9, 11, 10, 8। नाबार्ड की स्थापना 1982 के अंदर होती है शिवरमन समिति की सिफारिश पर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 8 जिले इसके अंदर शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर जिले में बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, सीकर, श्रीगंगानगर के मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान ग्रामीण के तीसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया था, 1 दिसंबर 2017, 9 दिसंबर 2017, 15 दिसंबर 2017 या 25 दिसंबर 2017। जो स्वावलंबन जो लंबन अभियान है दोस्तों ग्रामीण का दोस्तों, इसका तीसरे चरण का 9 दिसंबर 2017 को इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है, सभी ने नोट कर लिया होगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो नागरीय 162 शहरों में द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया था, कब किया गया था दोस्तों, 15 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2018 को, 20 जनवरी 2018 को या 26 जनवरी 2018 को, वो किया गया था 20 जनवरी 2018 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2017 को संपन्न नीति निर्धारण समिति की बैठकों में तहत अब कितनी संख्या में अधिक आबादी वाले भी भरकर पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय किया है, 2000 से अधिक, 10,000 से अधिक, 14,000 से अधिक, 500 से अधिक, 15 साल से अधिक, वो दोस्तों है 1,000 से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला जल संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, कोटा, पाली, सिरोही, राजसमंद। राजस्थान का पहला जल संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, वो किया गया है डी राजसमंद। बिनोल राजसमंद में जल प्रदाय योजना का लोकार्पण कब किया गया था, 1 जून 2017 को, 6 जून 2017 को, 24 जून 2017 को या 30 जून 2017 को। बिनोल राजस्थान में जल प्रदाय योजना का लोकार्पण कब किया गया था यह बताना है, इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 30 जून 2017 को। परिवहन वृहद सिंचाई परियोजना कहां पर निर्मित की जाएगी, झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, बूंद नहीं दोस्तों बूंदी है।
परवन वृहद सिंचाई परियोजना कहां पर निर्मित की जाएगी? ये की जाएगी झालावाड़ के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हड़ौती परवन सिंचाई परियोजना को अंतिम स्वीकृति कब की गई थी या कब दी गई थी? 23 जनवरी 2017 को, 20 जून 2017 को, 15 अगस्त 2017 को, 26 सितंबर 2017 को। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हड़ौती की परवन सिंचाई परियोजना इसकी स्वीकृति 23 जून 2017 को दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान के जल क्षेत्र में आजीविका सुधार परियोजना माध्यम से राज्य के 25 जिलों में 137 बांध और उनकी नजरों का जीर्णोद्धार करवाने का जायजा या जायजा के स्थान पर कब ऋण अनुबंध किया? दोस्तों जायका के साथ कब ऋण का अनुबंध किया? 1 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2017, 20 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 वो किया था दोस्तों, 31 मार्च 2017 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की लंबित बतीसा नाला सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? उसका शिलान्यास 29 जुलाई 2016 को किया गया था, सिरोही, पाली, जालौर, बाड़मेर। राज्य की लंबित पड़ी बतीसा नाला सिंचाई परियोजना वो दोस्तों आपकी ए, सिरोही। नेक्स्ट, राज्य में राजस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की स्थापना हेतु किस साथ MOU किया गया? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान। दोस्तों ये किया गया था दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पहली बार किस ऊर्जा पर आधारित नलकूपों की स्थापना की जाएगी? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ताप ऊर्जा, आणविक ऊर्जा। राज्य की पहली बार किस ऊर्जा पर आधारित नलकूपों की स्थापना की जाएगी यह बताना है, वो की जाएगी आपकी पहली बार ऊर्जा नदी नलकूपों की स्थापना के लिए सौर ऊर्जा की दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपके लिए दोस्तों।